नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। 2022 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। यूपी चुनाव कुछ ही दिनों का समय अब बचा है। ऐसे में लगभग हर सियासी दल के प्रत्याशी चुनावी रण में अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। इसी को लेकर रणभेरी में आज हम बात करेंगे बांदा की नरेनी विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। तो शुरुआत करते हैं रणभेरी 2022 की। बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। 2022 का चुनावी रण तैयार है। नरेनी विधानसभा सीट यूपी के बांदा जिले में आती है। 2017 में नरेनी में कुल 45.30% वोट पड़े, जिसमें बीजेपी से राजकरण कबीर ने कांग्रेस के भरतलाल दिवाकर को हराया था। बीजेपी ने इस सीट पर दो बार, बसपा ने सबसे ज्यादा चार बार जीत का परचम लहराया। आज हम रणभेरी में बात करेंगे कि क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद आपको दिखाएंगे संवाददाता ने किस तरह से जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का जायजा लिया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में आखिर क्या कुछ किया। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बांदा की नरेनी विधानसभा सीट के दिल में क्या है? नरेनी विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? नरेनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। नरेनी सीट से बीजेपी के राजकरण कबीर है विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन? किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? बांदा की नरेनी विधानसभा एक सुरक्षित विधानसभा सीट है। लोधी नेता सुरेंद्र पाल वर्मा यहां पांच बार इस सीट से विधायक चुने गए। 2007 में बसपा के पुरुषोत्तम नरेश ने जीत दर्ज की। 2017 में इस सीट पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया और राजकरण कबीर विधायक की कुर्सी पर विराजमान हो गए। 2022 के चुनाव में इस सीट से जहां बीजेपी से श्रीमती ओम मणि वर्मा को टिकट मिला, तो वही सपा से दद्दू प्रसाद, बसपा से गयाचरण दिनकर और कांग्रेस से श्रीमती पवन देवी कोरी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगी। अब देखना यह है कि क्या पिछले कार्यों की वजह से दोबारा बीजेपी की वापसी होगी या फिर बदलाव के चलते जनता किसी और पार्टी को मौका देगी। नरेनी विधानसभा सीट पर 2017 का चुनाव परिणाम। पहले स्थान पर रहे राजकरण कबीर, पार्टी भाजपा, वोट मिले 92,412, वोट प्रतिशत 45.30। दूसरे स्थान पर रहे भरतलाल, पार्टी कांग्रेस, वोट मिले 47,405, वोट प्रतिशत 23.24। तीसरे स्थान पर गया चरण दिनकर, पार्टी बसपा, वोट मिले 44,610, वोट प्रतिशत 21.87। नरेनी विधानसभा बांदा की चर्चित सीटों में से एक है। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब लोगों से क्षेत्र में हुए कार्यों का जायजा लिया, तो कुछ का मानना था कि पिछले 5 साल में यहाँ शांति रही, गुंडागर्दी कम हुई, लेकिन क्षेत्र की ज्यादातर जनता मानती है कि विधायक जी पिछले 5 सालों से क्षेत्र से गायब रहे। वहीं युवाओं का कहना है कि योगी सरकार में उन्हें रोजगार नहीं मिला और 2022 में वे उसी सरकार को वोट देंगे जो रोजगार दिलाएगा। कुल मिलाकर देखें तो नरेनी की जनता विधायक जी के कामों से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही और क्षेत्र में सपा लहर होने की बात कहते हुए बदलाव की मंशा जाहिर की। 2022 चुनाव को देखते हुए तमाम सियासी दलों की ओर से जोर आजमाइश का सिलसिला जारी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही विकास कार्य हैं? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं? खैर, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बांदा की नरेनी विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस भी अपने पूरे दमखम से चुनावी रण में मौजूद है। अब देखना यह है कि 2022 में किस पार्टी को जनता जीत का स्वाद चखाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो
रणबीरी 2022 में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे नरेनी विधानसभा का जमीनी हाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और आज हम बेखौफ घूमते हैं। जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रणभेरी 2022 में और अब बात करेंगे नरेनी विधानसभा सीट पर। हमारे संवाददाता पहुंचे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिर विधायक जी ने इन 5 सालों में क्या कुछ किया। खड़े हैं बबेरू विधानसभा क्षेत्र में और हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि किस तरह से जनता की राय है और यहाँ पर किस तरह से इस बार चुनाव में विधायक चुनेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश नाम है सर। उमेश जी, किस तरह से आप चुनाव करने जा रहे हैं, क्या देखेंगे विधायक में? देखिए, सरकार चाहे जिसकी आज जो है छोटे व्यापारियों को जो है कभी उसका भला नहीं हुआ। जो है गरीब आदमी, छोटा व्यापारी हर जगह पीड़ित हुआ है। अभी देखिए जो है लॉकडाउन लगा पिछले दिन, ठीक है, नहीं गल्ला मिल रहा है भाई, गल्ले से क्या मतलब है। जो है व्यापारी जब कुछ कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। जो है बिल्कुल है, कोई काम नहीं किया। नहीं, काम सरकार अच्छी है, जो है गुंडाई नहीं हो रही है। जो है सरकार अच्छी है लेकिन काम नहीं हो रहा कुछ। जो है छोटे गरीब आदमी का, छोटे व्यापारी का जो है। आपसे भी गुंडाई करता था क्या? नहीं, हमसे क्या गुंडाई करेंगे। आपका क्या लाभ है? नहीं, लाभ कुछ नहीं है। लाभ जनता के बारे में हम बता रहे हैं जो है कि जनता का जो है, जनता छोटे व्यापारी कोई मतलब नहीं है उनका। जो विधायक जी ने किस तरह काम किया? विधायक जी का तो काम अब हमसे ना पूछिए, सबसे पूछिए। जो आप ही से पूछे, विधायक जी का काम तो ऐसा है जो है कि कोई काम ही नहीं है उनके उसमें। जो है बबेरू क्षेत्र का जो है गली देखिए, सड़कें देखिए, सब इस पार्टी का विधायक चुनेंगे? विधायक देखिए जो है अभी तक तो ये था जो है कि बीजेपी सरकार में गुंडाई नहीं थी जो है, लेकिन अब हम लोग जो है बदल रहे हैं, जो है सपा सरकार में जा रहे हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जो है जी, अब बिल्कुल बदल के रहेगा। क्या नाम है चाचा आपका? राम कुमार। राम कुमार चाचा जी, क्या क्या लग रहा है कि विधायक जी ने किस तरह से काम किया? विधायक जी या सरकार जो है तो ये मान लो बसाती है कि जनता को कि जो है बिगाड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी जो है मान लो कॉलोनी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, क्या उनको जो है मान लेने की देने के लिए दे रहे हैं कि उनको गिरवाने के लिए दे रहे हैं? 233 विधानसभा बबेरू से बिलान करता हूँ। इस सरकार में, जुल्मी सरकार में बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हुआ, नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ, आज तक कोई रोजगार का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। 5 साल विधायक जी ने रहे, उन्होंने आज तक पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। देखिए कहाँ की कहते हैं हम सोच ईमानदार काम दमदार, कहाँ सोच ईमानदार कहाँ काम। बेरोजगारी और किसानों का आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या रही, सबसे बड़ी समस्या जी, जिससे हमारी 50 बीघे की फसल धान की खड़ी थी चर गई। धान की फसल कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगी। बिल्कुल 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 बनेगी सर, इसकी अगर व्यवस्था नहीं होती तो ये मुद्दा प्रमुख होगा। मुद्दा यही है, गाय वाला है, किसानी में कुछ नहीं, सब गड़बड़ है जी। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। महंगाई की बात, महंगाई तो है, मुद्दा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, महंगाई मुद्दा है जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार 5 साल रही, किस तरह के विधायक रहे आपके? विधायक जी तो कभी क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। हाँ। रही गायों की समस्या, हाँ। तो गायों की दुर्दशा पिछले 10-20 साल में ऐसी नहीं हुई जो दुर्दशा हुई है। जिंदा गाय अगर गौशाला में आप देख ले तो जब गाय वो गिर जाती है तो जिंदा पीछे से कुत्ता लग जाते हैं उसमें। मरने के बाद तो ठीक है। नहीं, चुनाव में गाय मुद्दा रहती है, क्या लग रहा है इस बार गाय का मुद्दा रहेगा? इस बार नहीं रहेगा। हाँ। गाय का मुद्दा ये लोग कभी नहीं उठाएंगे, अब नहीं उठाएंगे। और रही अवगासी पुल की बात, हाँ। बहन जी की सरकार में 60% काम हो गया था, हाँ। और ये 10 साल में 2 सरकारों ने काम नहीं पूरा करवा पाए। वैसे में बहन जी की सरकार बनाएंगे, बहन जी की सरकार बनाएंगे, अब कह रहे हैं बहन जी की सरकार बनाएंगे, अब क्या लगता है? बहन जी
बहन जी की सरकार शायद मुश्किलें बनेगी इस बार। और दो ही पार्टी हैं इस समय टक्कर में। किसकी बनेगी? हम तो इस बार सपा को देखेंगे। किया विकास क्या किया हमारे लिए? सब अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खूब अच्छी रही और भी अच्छी जाएगी और विकास भी हुआ। ऐसा नहीं जैसा विकास हर सरकारों में होता रहा वैसा विकास भी हुआ। बिजली पानी क्या हुआ? विकास हुआ? हमारे विकास कोई बेहतरीन नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। हुआ लेकिन उतना किसी तरह का कोई काम अच्छा नहीं हुआ, नहीं कोई अच्छा। क्या कहना है विधायक जी के बारे में? विधायक जी सरकार कैसी थी? बेकार है सरकार, बेकार है। भैया मैं माननीय विश्वम्भर सिंह यादव जी के लिए जी कह रहा हूँ कि वो विधायक बनने लायक हैं। अच्छा ठीक, तो उन्हीं को बाकी कोई विधायक नहीं है बनने लायक यहाँ? नहीं है, विश्वम्भर यादव के अलावा कोई विधायक नहीं यहाँ बनने लायक। क्यों? इसलिए कि जो जूता उतार के मारता है अधिकारी को वही विधायक बनेगा यहाँ। क्या लगता है कि ये जो विधायक बने थे पहले तो उनका काम कैसा रहा? बहुत बेकार रहा विश्वम्भर यादव है? बहुत बेकार रहा। भाजपा के कौन 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 बेकार था? ये भाजपा सरकार क्या लग रहा है? यहाँ गौशाला बना हुए जरूर है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? यहाँ जो जो मतलब जो है नाम खाली जो आता है लूनने बांधने के लिए आ जो खाली जो है लुन्हारे गाय सुरक्षित नहीं है? नहीं है, जो मर जाते हैं उनको उठा के फेंकते हैं वहीं पे बगल से। अच्छा, जनता निकल गंधा रहे हैं वहाँ पे गंदी मल रहा है, ये सब सिस्टम क्या है? तो किसको बनाएंगे इस बार? बीजेपी जीतेगी बिन से वो सरकार बनने वाली है। गाय मार रही फिर भी जीतेगी? हाँ जीतेगी, बीजेपी फिर जीते गाय मार। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी क्या लग रहा है गाय पर? गाय माता है हमारी, गाय पे ही राजनीति हुई थी, क्या लग रहा है गाय सुरक्षित है? गाय के जो सरकार तो ऊपर से बहुत पैसा देती है गायों के लिए जी। मगर ये बिचौलिया आ जाते हैं निकम्मे अधिकारी। हाँ जैसे सचिव गाली नहीं दीजिए प्रधान, यहाँ का जो जिनके अंडर में आता है गाय वाला पैसा सब बीच में खा के जेब में चला गया। युवा साथी बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई? कहाँ बोल रहे थे कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे? कोई बेरोजगारी खत्म, कोई खत्म नहीं हुई? नहीं नहीं हुई। नहीं तो क्या लग रहा है किस तरह बेरोजगारी खत्म हो जाती तो लखनऊ में लाठी चली है जो बीएड वालों के ऊपर जी, टीटी वालों के ऊपर जी। कहाँ हुआ है? अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बदलाव करेंगे 22 में अखिलेश यादव, अखिलेश यादव लाएंगे जी। युवा साथी है आप भी पढ़ते हो जी, क्या नाम है? पुष्पित। क्या लग रहा है किसको जिताएंगे इस बार? सपा सरकार की गलती। अच्छा वैकेंसी मेन मुद्दा है, आइए। चाचा क्या नाम है? बासुदेव। अच्छा बासुदेव जी क्या लगा सरकार का कैसा रहा काम? सरकार का काम कैसा रहा? बढ़िया, मैं तो सुना पड़ता कम है। नहीं सरकार का काम बढ़िया था? क्या बढ़िया था? कहा है मोदी में क्या है इसमें क्या है? कुछ नहीं। क्यों? पाँच साल क्या काम हुआ? सपा वाले गणेश इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें सपा से मतलब नहीं है, हमें सपा से मतलब नहीं है। जो विश्वम्भर ने काम किया है और जो धड़ाक के बोलता है वो कोई नहीं बोल पाता। ये तो अभी पाँच साल तो था ये, अब मतलब किस पब्लिक के काम में आए? कुशवाहा जी तो कह रहे हैं, मैंने कुशवाहा जी किसके काम में आए, क्या किया हमें ये बताइए। कौन सी समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ हर चीज की समस्या है। हमारे क्षेत्र में कहीं 2 रुपए का काम नहीं हुआ। कौन कौन काम था होना था? अरे बहुत काम था, RCC ये वो दुनिया का था, कुछ काम नहीं हुआ। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? क्या बहुत समस्या है? कौन कौन सी समस्याएं थी? बहुत सारी समस्या है। क्या? अरे ना रोड है ढंग का ना कुछ है, और सब ये क्या है, और सब काम ही नहीं हो रहा है कोई सरकार। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं। यहाँ की एक समस्या पुल है, पुल पे क्या स्थिति है, कितने सालों से बन रहा है वो पुल? पुल तो कई साल हो गए, सपा सरकार के दिए ये कंप्लीट हुए नहीं है। सपा सरकार ने दिया है। किस तरह का विधायक बनाएंगे? अब विधायक हमारे माननीय विधायक विश्वम्भर सिंह होंगे। जो इस समय अजय पटेल जी जो भाजपा से जो चयनित किए गए हैं वो भी पूरे एक परिवार की तरह हैं, और उनका भी नेतृत्व उनसे मुझे लगता है कि बेहतर ही रहेगा चूँकि यंग है। तो विधायक जी के कामों से खुश है? नहीं नहीं बिल्कुल खुश है, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। कौन सा कार्य किया? अब देखिए आप ये जमुना जी का अवकाशी वाला पुल आप ले लीजिए, ये आपका पुल ये समझ लीजिए कि अरे तो कई सरकारों ने क्यों नहीं बनवाया बताइए आप भाई। अरे बन बिल्कुल बन गए, 90% तैयार हो गए और 10% रह गए, तो चुनाव आ गए बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये पहले बताइए 10 साल तक क्यों रुका रहा? फिर भाई 10 साल इतनी लोकप्रियता रही इनकी, तो फिर टिकट इन्हें क्यों नहीं दिया? देखिए टिकट के लिए तो अब नहीं बताइएगा। नहीं नहीं शीर्ष नेतृत्व ने जो भी मान लीजिए उनके अंदर क्षमता देखी जी, मान लीजिए उनसे बेहतर क्षमता देखी तो उनको दे दिया, थे तो पूरे परिवार के सदस्य जी। भैया कैसा रहा 2022 में, कैसे चुनाव करेंगे आप?
जो होगा सो देखा जाएगा क्या क्या है यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। महंगाई तो बहुत है जो है, हम अपना रिक्शा चलाते हैं, अपना रिक्शा चला के अपना। बेरोजगारी के बारे में क्या ख्याल है? अब ये तो हालत तो बहुत खराब है। रोजगार मिला आपको? अरे कहाँ रोजगार मिलता है। अच्छा, सरकार ने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, क्या हुआ? अभी तो शायद कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी। तो अभी हमने इन लोगों से बात करी तो जिस तरह से लग रहा है कि सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्या नाम? नाखुश कोई नहीं, अरुण कुमार गुप्ता नाम हमारा जी। गुप्ता जी खुश नहीं है तो खुशी है? खूब खुशी है। किस तरह की खुशी, कौन से काम? बढ़िया सरकार है, बढ़िया शासन रहा, किसी पर कोई भय नहीं, भय मुक्त सरकार रही और पुनः यही सरकार आनी चाहिए। पुनः ऐसी सरकार आनी चाहिए जी। तो भैया भय मुक्त सरकार रही, किस तरह का सरकार का काम रहा? सर जो है सो बढ़िया रहा, लाग लाया उनको, लेकिन समस्याएं आ रही हैं सर। इसमें क्या, इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं सर? ये कोरोना वरोना की महामारी ज़्यादा कर दिया साहब। और क्या है कि अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं सर, जनता खुद अपने आप जानती है। क्या लग रहा है काम, क्या लग रहा है क्षेत्र में? किसान है आप जी सर? अन्ना गायों की समस्या खत्म हुई? समस्या तो खत्म। गायों की क्या स्थिति है? गायों की इस समय सर बहुत बुरी स्थिति है। क्या बुरी है? क्योंकि क्या है इस तरह की उसमें, और क्या है कि अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं सर, जनता खुद अपने आप जानती है। क्या लग रहा है काम, क्या लग रहा है क्षेत्र में? किसान है आप जी सर? अन्ना गायों की समस्या खत्म हुई? समस्या तो खत्म। गायों की क्या स्थिति है? गायों की इस समय सर बहुत बुरी स्थिति है। क्या बुरी है? क्योंकि क्या है इस तरह की उसमें खुले पे सर मर रहे हैं। गौशालाएं बनाई, गौशाले कहाँ बनी हुई है सर? अच्छी तरह गौशाला ही नहीं बनी हुई है, बताइए। क्या चाहते हैं ऐसे? हम ये चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा साधन हो। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान सर ये हुआ कि मर रही हैं बहुत सी। मर रही हैं? हाँ जी, गाय मर रही हैं। चाचा क्या कहना है आपका? अभी बढ़िया सरकार है, चल रही है। गाय मर रही बोल रहे हैं? गाय मर क्या रही हैं, अब ये मान लो गौशाला जो बने हैं तारों वारों से घिराया गया है जी, तो उनसे ठंड लग रही है, तो ठंड के कारण कुछ जानवर मर रहे हैं। मर रहे हैं? हाँ। तो सरकारें तो दावा कर रही हैं कि हमने बहुत पूरी व्यवस्था कर रखी है, भूखी नहीं है, सर्दी से बचाव है, सारी चीजें हैं। सरकार का काम है, सरकार यहाँ देखने थोड़ी आती है। तो क्या लग रहा है कि रवैया ढीला है? रवैया हाँ ढीला तो कुछ है ही है, अधिकारी की लापरवाही। हाँ अधिकारी की लापरवाही है। क्या नाम है आपका भैया? नाम बताइए। दिलशेर है? दिलशेर। कैसी समस्याएं हैं यहाँ की? कैसी समस्या है? रोजगारी खत्म हुई? नहीं नहीं। महंगाई कम हुई? नहीं कम हुई। गाय की समस्या खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। क्या नाम है आपका? भास्कर सिंह पटेल। पटेल जी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अभी एक बार फिर पटेल को एक टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और कुशवाहा इससे पहले विधायक रहे, कैसे रहे विधायक का काम? नहीं उनका कार्यकाल बढ़िया रहा जी। और बाकी सरकार रोजगार के मुद्दे पे पूरी तरह से विफल रही है, और इसके काम कुछ अच्छे रहे हैं कुछ बुरे भी रहे। रणभेणी में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भाई जी इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है रणमेड़ी 2022 में। नरेनी विधानसभा का क्या हाल रहा ये हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनवर रजा, उनसे जानेंगे क्या हाल रहा बांदा का। जी अनवर, जिस तरह से आपने तमाम लोगों से बातचीत की नरेनी विधानसभा में, जिस तरह से विधायक रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि काम किया है सरकार उत्तर प्रदेश की बेहतर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों की यदि बातचीत करें तो साफ तौर पर कभी प्रशासन के नाम पर कभी अधिकारियों के नाम पर जो काम वहां होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। क्या हाल देखने को मिला और इस बार किसका पल रहा आपको भारी नजर आ रहा है वहां पर? जी निश्चित तौर पर तमाम लोगों थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात करी और जब बात करी तो तमाम तरह के लोगों के वक्त अब थे, कई लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी। सबसे ज्यादा जितना जो परेशान था वो अन्ना पशुओं से लोग परेशान थे, अन्ना गायों से बहुत सारा परेशान थे। हालांकि जो भूतपूर्व जो वहां पर विधायक थे जो वहां के उन्होंने उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, इस बात को लेकर सरकार ने उनका टिकट भी काटा और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन पर दांव खेला है। हालांकि वहां के बहुत सारे लोग हैं और तमाम और ये जो है ये सीट है जो है वहां पर तमाम दलों के लोग हैं और ये कभी जातिवाद पर वोट नहीं डाला जाता है, आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट पर लोग तमाम प्रत्याशी आए हैं और सभी अपने 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 दांव आजमा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की अन्ना पशु रही है। जी बिल्कुल अनवर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर लगातार हम नरेनी विधानसभा सीट के बारे में जानकारी ले रहे थे, हमारे संवाददाता वहाँ पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की, लोगों से बातचीत में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की वहाँ पर देखने को मिली। लोगों का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं बेहतर काम करने की कोशिश जरूर करती हुई नजर आती है, लेकिन स्थानीय विधायक की यदि बातचीत की जाए तो जिस तरह से काम धरातल पर होना चाहिए था, जिस तरह से पुलों की व्यवस्था, अन्ना पशुओं की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था स्थानीय लोगों को नजर नहीं आई है। बेरोजगारी का भी मुद्दा अहम मुद्दा बनकर उभरा है, साथ ही साथ महंगाई को लेकर तमाम लोगों का कहना है कि महंगाई भी हद से ज्यादा बढ़ी है, जिसमें आम आदमी को जीने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रणभेरी 2022 में लगातार जिस तरह से नरेनी विधानसभा सीट का हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा विधायक की सीट को बदला गया है, प्रत्याशी को बदला गया है, यहाँ पर सीट टिकट काटा गया है। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सहारनपुर, जहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो चाहे उसके बेटे की सरकार रही हो, तो इनकी सरकार में जब दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचता है, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समाज को पहुंचता है, फिर कोई उनको देखने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब मैं उस समय MP थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, तो मुझे भी रोक लिया गया था और बिजनौर में नहीं आने दिया गया था। तब जाकर बड़ी मुश्किल से सेंटर के दखल से मैं बिजनौर के लोगों से मिलने के लिए आई थी, ये भी आप लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ यानी कि सपा सरकार में ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में तो ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं वे महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ, ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, इनके संतों गुरुओं महापुरुषों का अनादर हुआ है, इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में
SC ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार ने ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। माननीय श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क, जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी की को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहां जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। तो ये थी बसपा सुप्रीमो मायावती। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।